जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माई लाइफ। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले तो थैंक यू सो 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 मच। कल का ब्लॉग आपने देखा, आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और ट्रस्ट मी कि मैंने जब आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़े, अभी मैंने रिप्लाई नहीं किया मैंने, पर सब के कॉमेंट्स पढ़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या दुनिया में, मुझे पहले लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसके साथ ये हुआ है। तो अब मुझे पता चला है, मुझे अराउंड 100 आए थे कल कमेंट्स। 100 में से तकरीबन 98-99 कमेंट्स ने बोला कि गुल, ये हमारे घर की कहानी है, हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम भी इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसका मतलब है कि शायद दुनिया चलती ही ऐसे है, दुनिया में ऐसा ही होता है। आप किसी के साथ इतने भी सिंसियर होते हैं, टाइम के साथ, वक्त के साथ रिश्तों की नौइयत बदल जाती है, रिश्ते चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, आपका प्यार देखा, इतना लॉन्ग वो वॉच टाइम था, मैंने आई थिंक 19-20 मिनट की वीडियो थी, 20-22 मिनट की, तो मेरा वॉच टाइम इतना ज़्यादा था जैसे आप लोगों ने एक एक लफ्ज़ मेरा सुना है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा, ज़बरदस्त लगा मुझे आपके ये सारा का सारा जो फीडबैक देख के। तो जनाब, आज के बाद ना यकीन करें, मेरी सारी जो मोहब्बत है ना, जो मेरा सारा प्यार है, जो मेरी सारी फीलिंग्स हैं, वो आप लोगों के साथ हैं। यकीन करें, आप लोग अकेले नहीं हैं। किसी को बहन की कमी फील हो रही है, आपे की फील हो रही है, आंटी की हो रही है, आप मुझसे रब्ता कर लें। यकीन करें कि मेरे साथ जो भी इस तरह का ताल्लुक, बहुत सारे लोगों ने बोला कि गुल, हम विश करते हैं कि हमारे पास कोई बहन होती, क्योंकि कुछ लोगों की बहनें हैं लेकिन उनके साथ उनका मिलना मिलाना ज़्यादा नहीं है। तो कहते हैं हमारा, हम विश करते हैं हमारे पास कोई बहन होती, हमारे पास कोई दुख सुख करने वाला होता। लेकिन शादी के इतने अरसे के बाद हमें ये लगता है कि रिश्ते सारे जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। वो आपकी प्रायोरिटीज़ ना, आप उनकी रहते हैं ना, वो आपकी रहते हैं। तो जनाब, यकीन करें मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मैसेज करें, आपके मैसेज का रिप्लाई तो मैं ज़रूर करूँगी, इंस्टाग्राम के मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। जो यूट्यूब के कॉमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ी सी मुझे ना देर सवेर हो जाती है, लेकिन ट्रस्ट मी मैं पढ़ती सारे हूँ, बस थोड़ा ही होता है कि मैसेज का रिप्लाई करने में मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो मेरे आपका शुक्रिया अदा करना था, वो मैंने कर लिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा मैं आज गई हुई थी एक सेमिनार पे, तो मेरा वर्क रिलेटेड सेमिनार था और पूरे दिन का सेमिनार था। आई नो जाना कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इस सेमिनार के लिए मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले साइन अप किया था, और उसको अगर मैं अटेंड नहीं करती तो उसका काफ़ी ज़्यादा उसकी पेनल्टी थी जो मुझे देनी पड़नी थी। खैर, वो भी मैं देने के लिए तैयार थी, फिर मुझे इसके बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम चली जाओ घर में, अम्मी भी थी, बच्चे भी थे। तो आज मैं गई हूँ पूरे दिन के लिए, और पता है क्या हुआ, वहाँ पे मुझे 2-3 सब्सक्राइबर्स भी मिली मेरी, वो मेरे वर्क से रिलेटेड सेमिनार था, वहाँ पे मुझे 2-3 सब्सक्राइबर्स मिली, उनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो मुझे देख के ना खुश हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इनको जानती हूँ। फिर वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला हम आपका व्लॉग देखते हैं, आपका चैनल देखते हैं, आप हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, ये वो। तो मैं, अगर आप लोग ही मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो, कुछ लोगों का मैंने नाम नहीं पूछा, एक का नाम मुझे पता चल गया था, बाकियों के मैंने नाम नहीं पूछे। तो फिर जिनको हम मुझे नाम पता चल गया था, उन्होंने मुझसे नंबर वगैरह लिया कि हम लोग आपस में ना बातचीत कर सकें। तो इतना अच्छा लगा मुझे कल का दिन, मुझे बड़ा अच्छा लगा सीरियसली उनसे मिल के, उनके साथ बातचीत करके। पता है मेरी, क्योंकि मैं उर्दू व्लॉग्स बनाती हूँ ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपको कनाडा में ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके व्लॉग्स देखते हैं। पाकिस्तान में आप व्लॉग बनाते हैं ना, तो आपको जगह जगह पे लोग मिल जाते हैं, आपको पता चलता है लोग आपके व्लॉग्स देख रहे हैं, सेम लैंग्वेज है वो। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है, जिस लैंग्वेज में व्लॉग देखे जाते हैं उसी लैंग्वेज के व्लॉग आपके ना स्क्रीन पे आना शुरू हो जाते हैं, फॉर यू पेज पे आते हैं। तो कल मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा उनसे सबसे मिलके, तो मैंने कहा उनका भी मैं जिक्र कर दूं। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ सेमिनार में बैठी हुई और मुझे कॉल आई कि अम्मा हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो आ गए जो बहुत ही हमारे करीबी फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो तो जाना कि बाबा का पता करने के लिए आ गए। घर में ना दो बड़े बच्चे, वो अपने जॉब्स पे गए हुए थे, मैं सेमिनार पे गई, अम्मी घर पे, जाना के बाबा बेचारे बेड रिडन, वो बेड पे थे और छोटे दो बच्चे थे। खैर, वो आ गए। उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड का मुझे कॉल आई, मैसेज आया कि वो खाना लेके आना चाहती है। तो मैंने कहा भाई इस तकल्लुफ में ना पड़ो, खाना शाना तो मैं बना रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी खाना दे के गई हैं। तो मैंने कहा अब आपके सामने आपको दिखाती हूँ कि खाना क्या आया है और जो दूसरे फ्रेंड्स आए थे वो क्या लेके आए हैं। अच्छा, सीरियसली ना, मुझे, मैंने कल भी यही जिक्र किया था ना आप लोगों के साथ कि जो आपसे जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, उनसे कभी कभी ये रिश्ते बढ़ जाते हैं। वो आपके साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं ना कि आपके जो ब्लड रिलेशनशिप्स वाले लोग होते हैं ना, उनसे ज़्यादा वो बड़े बड़े आपको लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं कल आई और मुझे इतना अच्छा लगा, सबसे पहले दिखाऊं क्या, ये देखें, ये फूल चेक करें, हाय हाय हाय, ये ज़रा चेक कर लें आप। एक फैमिली जो हमारे बड़े ही करीबी हैं वो आए, तो ये फूलों का बुके लेके आए हैं, ये चेक करें,
इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, तो मैं भी आपके सामने इसको खोलती भी हूँ। एक ये लेके आए फूल, हमें इतने आए थे जाना कि बाबा की बीमारी में सब लोग जो आ रहे हैं फूल लेके आ रहे हैं, और हमारा घर जो है ना वो महका पड़ा है फूलों के साथ। अब मैं इसको लेके चले जाऊंगी, बेडरूम में रख दूंगी, जो बेडरूम वाले हैं ना वो लाके मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर रख दूंगी, क्योंकि अब वो तकरीबन मुरझाने वाले हैं। उनको तकरीबन लास्ट थर्सडे को आए थे, 10 दिन हो गए उन फूलों को, और अभी तक वो माशाल्लाह बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो अब इसको हम निकालेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में आया है खाना, खाना किधर है? ये है जी हमारा खाना, मैं आपको दिखाऊँ। चले मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ लेके आई है मेरी फ्रेंड। आपको दिखाऊँ, ये देखें, सबसे पहले ना ये शीर कोरमा था, ये मैंने खोल के देखा था, मैंने कहा मुझे ठंडा ठंडा लगा था तो मैं इसको खोल के देख लूँ ताकि मैं इसको फ्रिज में रख दूँ। तो ये शीर कोरमा वो बना के लेके आई है हमारे लिए। ये है शीर कोरमा, ये है जी चिकन कढ़ाई, ये चिकन कढ़ाई बनी हुई है, ये देखें चिकन कढ़ाई है, ये खुशबू इतनी आ रही है, बड़ी खुशबू आ रही है सीरियसली। ये दो चीज़ें, और तीसरा ये है जी चिकन पुलाव, ये आया है जी हमारे लिए चिकन पुलाव, ये देख लें, ये तीन चीज़ें। इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है सीरियसली। पुलाव मेरे घर में ज़्यादा शौक से भी खाया जाता है, तो मुझे खुशी ये है कि चले पुलाव या बिरयानी होना तो मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं, मुझे फिर कुछ और बनाना नहीं पड़ता। ये चीज़ें एक सेकेंड टेस्ट करूँ, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं वैसे सीरियसली। बहुत अच्छा बना हुआ चिकन पुलाव, चिकन कढ़ाई एंड हमारा शीर कोरमा, ये चीज़ें। और मैं फूल लेके आती हूँ एक सेकेंड। जिब्राइल पुत्र आ जाओ बेटा, ऊपर बन गए थोड़े चिकन पॉपिंस एंड बर्गर। मैं आज सारा दिन घर से बाहर रही हूँ ना, तो अब मैं वापस आई, मैं थोड़े घर की सफाइयाँ शफाइयाँ की हैं, और अब मैं बच्चे भूख कर रहे थे तो उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। और अभी मैंने बैबरस को लेने के लिए जाना है, मीका कवीना ना कर, और अभी मैंने बैबरस को लेने के लिए जाना है। दुजाना खैर से कार खुद ड्राइव करके गया तो दुजाना खुद आ जाएगा, बैबरस को मैं जा रही हूँ पिकअप करने के लिए। तो ये है जी हमारे फूल जी, बैठ लेते तो आप इन पकड़ जरा पल्ले करिए ये देखने दी। ये है जी हमारे खूबसूरत से फूल। इसका ये फायदा होता है कि इसके अंदर ना इसका पॉट साथ आता है, तो उसमें ये हो जाता है कि आप आराम से जो है इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अब वो दूसरे वाला पॉट में नीचे लेके आ जाओ, ये वाला पॉट हम ऊपर रख देंगे। और ये देखिए मिकाइल आ जाओ पुत्र, तुसी भी आ जाओ। तो ये देख जी ब्राइल मिकाइल आ जाओ, मिकाइल तो आ जाओ। तो ये हैं जी हम तीनों के तीनों यहाँ पे खड़े हुए हैं, और मेरा बच्चा सीधा खड़ा पीछे हो ना थोड़ा, तो सीधा खड़ा ऑलमोस्ट आप बताएं कौन टॉलर है हमें से। आज मिकाइल नाल खड़ा हो, कमेंट डाउन बिलो, चले कमेंट करके बताएगा कि आपको हम सब में से ना आपको हम में से ना ज्यादा लंबा कौन लग रहा है। मुझे ये लग रहा था कि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मिकाइल माशाल्लाह लंबा हो गया। अम्मी भी आ गई, अम्मी आके दे तो वेख फूल केडे सोने, ऐदे आ जाओ ना सही कर लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर सारे आते ना आंटी क्यों नहीं आंदे सामने, मैं आओ ए फूल देखो। अम्मी साढ़े दो कौन लंबा है? हाँ जी मीका, मिकाइल लंबा है? मिकाइल रियली हला मेरे ना खड़ा होगा आइडे आओ ना आइडिया इतने तक कैमरा देख सी इज इट नॉट फॉलो एनी मोर आई थिंक आई एम अम्मी तोड़े तो भी लंबा है माशाल्लाह तेरा मेरा का देखो जितने अच्छा सी तरह मैं खिलौने हैं। Oh, wow. I think I'm tallest. Mikael, you are tallest. MashaAllah. तू लंबा क्या हो गया? अम्मी खोल के देखो कितने सोने। बड़े प्यारे। कितने खूबसूरत हैं। ये अच्छे हैं। ये रखने वाले। मुझे कहना कि वैसे गया से ना आंधे घर लेके गया से ही। अच्छा इंजी। सेम बिल्कुल है ही नया। बड़े ही प्यारे ये फूल हैं। और अब हम इनको क्या करेंगे, जाएंगे और रखेंगे
हम इसको जाना के बाबा के रूम में घर आके मम्मी खाना पा दी समेत पहले बैबस ले आया अभी चलो चलो जाना के बाबा के रूम में ही रख देंगे और जो दूसरे हैं फूल वो हम उठा के नीचे रख देंगे डाइनिंग टेबल पे तो मैं आपको एंड पे वो दिखा के ना उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगी अभी मुझे जाना है जल्दी जल्दी बैबस को लेने वापस आके फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ खा रहे हैं जी अम्मी कोई नहीं खास है ना ये जरा देखें इधर हो क्या रहा है हमारे घर क्या हो रहा है इधर ये खाने पीने की तैयारियां हो रही हैं अम्मी देखो मैं घर साफ कर लिया सारा तो कर लेना जी अब बस हो भी गया सारा इसे तो मैं कना के कोई ना किसी कहनो हाथ लगावे की करते हुए मिठू अच्छा चलिए जनाब अब हम लोग करते हैं स्वाप फ्लावर्स को ये फ्लावर्स चले जाएंगे नीचे और जो अभी नए फ्लावर्स आए हैं वो ये मैं ऊपर कमरे में रख दूंगी ताकि वो एक दफ़ा ना बड़ा अच्छा एक लुक आ रहा होता आपको अच्छा फील होता कमरे में भी इतनी अच्छी अच्छी हल्की हल्की खुशबू आ रही होती वैसे एक बात है इन फूलों की खुशबू इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं तो चलें अब इसको यहाँ पे रखते हैं और उसको नीचे लेके चले जाते हैं और फिर बस खाना शाना खाएंगे अभी दजाना आने वाला खैर से दजाना क्या जॉब 10 बजे तक थी वो बस आएगा खैर से तो बस फिर हम लोग खाना खाएंगे अब फ्रेंड ने भी खाना भेज दिया है आज पिज़्ज़ा भी बच्चों ने लेके आना था दजाना ही क्या करता है वो अपनी जॉब से लेके ना पिज़्ज़ा पकड़ के घर आ जाता है तो अब बस वो खैर से आएगा तो हम लोग खाना खा लेंगे और पूरे दिन को हम एंड कर देंगे यहीं पर बड़ा ही बिज़ी दिन गुजरा है मेरा अलहमदिल्ला बड़ा मज़ा आया कॉन्फ्रेंस पे गई पूरा दिन गुजारा घर आई घर की सफाई शफाइयाँ की फिर बाहर गई बेबस को लेके आई अब व्लॉग किया अब इसके बाद खाना खाऊंगी और यहीं पे अपने करूंगी व्लॉग का एंड इतना लंबा और अच्छा दिन गुजारने के बाद तो चलें जनाब खैर खैरियत से अब मिलेंगे आपके साथ कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल हमें रखिएगा दुआओं में याद टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़।